40 सालों में है कौन कौन पार्टी नहीं है। अभी की स्थिति के बारे में आप सर वही बातें तो कर रहे हैं, स्कूल और अस्पताल आज जो शिखंडी और नीचे है वो तो 40 सालों से है ना, सभी पार्टी जिम्मेदार है, इसमें कौन बहस। जो आंखों में हम अंधा राजा कानून चौपट तो है नहीं, एकदम जिम्मेदार है। जिस तरह से जो सरकार है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, जो हालात है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। जो आज बिहारी पीछे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी नहीं हुआ 40 सालों के अंदर, सारी फैक्ट्रियां एक तो आ गए, बर्बर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, खाना खिलाना, मुर्गा खिलाना, टंगड़ी खिलाना, खिलाओ, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, अदानी आ गया, अंबानी आ गया, ढाके टीम पर। आपके हिसाब से क्या होगा? भैया हम ज्योतिष तो है नहीं, जनता तय करती है, जनता भगवान है। कुछ तो फीडबैक आपके कार्यकर्ता चाहे कुछ होंगे, हम प्रशांत किशोर जी से पूछ लेंगे फीडबैक, क्योंकि वही तय करेंगे। हमारा तो कोई फीडबैक जनता आजकल बोलती है, 90% यूथ को मुखिया बना दिया, सब माफिया को हरा दिया, 23-21% 34,000 मेरा सभी जिला का मुखिया बन गया, टोटल सभी जिला का जिला परिषद मुखिया, सभी छात्र थे जिला परिषद बन गए, उठा के देख लीजिए सभी जिला के जिला अध्यक्ष के लिस्ट निकालिए, सबको देख लीजिए, निकाल दीजिए, मुखिया बन गया, 34,000-50,000 में बन गया। तो लगता है आरजेडी का जो दावा है वो काम करेगा। टुडे है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज का रिपोर्ट है कि 2001 से 2011 तक 93 लाख जो मजदूर है बिहार से पलायन किए थे, तो जो हत्या हो रही है वो हत्या समस्या नहीं पलायन समस्या। सर पहले ही मैंने कहा कि ये 40 साल की देन है बिहार के मजदूरों की पलायन, कोई इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, खेती नहीं है, बाहर से परिस्थिति हमारी बात कर देती है, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। बिल्कुल बड़ा एक समस्या है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हम मरने पर मजबूर किए हैं मजदूरों को, नेताओं ने मजदूरों को मरने पर मजबूर किया, किसको चिंता है इस बात की? एक बार भी आपने विपक्ष की आवाज इस पर सुना? एक बार तारापुर में आपने सुना? कुशेश्वर में आपने सुना? कोई ट्वीट आपने देखा? सबसे ज्यादा पलायन लगता के बाद 87-88 के बाद पलायन बिहार शुरू हुई, 90 के बाद पलायन अत्यधिक शुरू हो, चाइना ने उत्तराखंड में चाइना सैनिक को मारा, तालिबान पर बीजेपी चो, अफगानिस्तान पे चो, क्योंकि व्यापार एक व्यक्ति का चला शुरू हो गया, ड्रग्स का व्यापार तालिबान से, इसीलिए बीजेपी चो, ड्रग्स करने वाले बीजेपी प्रधानमंत्री के, कभी दिल्ली ने मारा, राजस्थान ने मारा, हरियाणा ने मारा, हम पढ़ने गए तब मारा, मणिपुर में रोजगार करने गए तब मारा, इम्फाल में मारा, हम मजदूरी करने गए तब मारा, मतलब गाली भी हम सुने, दुनिया का निर्माण भी बिहार करे, मेहनत भी बिहार करे, दुनिया को रास्ते भी बिहार दिखाए, दुनिया के जीने का संस्कृति का रास्ता बिहार दिखाए, लेकिन जब हमें जीने की बारी आए तो हम लाश के अलावे, अपमान के अलावे, गाली के अलावे, जूते चप्पल के अलावे कहीं भारत में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अपमान दे। उसके बाद सरकार की चुप्पी, भारत सरकार की चुप्पी, आज तक जब 3 हत्या के बाद लगातार अभी भी वहां पर लोग फंसे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं है, राजनीति हो गई, लेकिन जब अररिया में मदद करने की बारी आई तो पप्पू यादव को जाना है, 50-50 हजार रुपया जन अधिकार पार्टी की ओर से मृतक परिवार को और जितने मजदूर वहां पर फंसे हैं सारे परिवार को 10-10 हजार रुपया उस परिवार को लाने के, केंद्र सरकार मौन, बिहार सरकार मौन, क्या बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं था? क्या बिहार सरकार के पास चार्टर प्लेन नहीं थी? जब 100 करोड़ का बांस बल्ला लग सकता है, 100 करोड़ का डंडा लगा सकते हैं आप राष्ट्रपति के लिए, तो आदमी की जिंदगी बचाने के लिए क्या आप 100 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते थे? क्या आप चार्टर प्लेन नहीं भेज सकते थे? क्या आप बिहारियों को नहीं ला सकते थे? क्या यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी? विपक्ष मछली मारेंगे,
दीपक धान के खेत में खड़े होंगे। मैंने जीवन में इतना कमजोर आज तक के इतिहास में इतना पुस्तिल इतना झूठ इतना जाहिल और इतना बहरूपिया विपक्ष धरती पर नहीं देखा। जाहिलपन की बे इंतहा वो स्कूल दिखाते हैं ट्वीट करके, वो सड़क दिखाते हैं ट्वीट करके, वो भूल गए 15 साल पहले जहां हेमा मालिनी की गाल की बात हुई थी, जहां पर ओम पुरी की गाल की बात कही गई थी। पेंट्स एंड हार्डवेयर शॉप, हमारे यहाँ एशियन पेंट्स के सारे कलर वैरायटी अवेलेबल हैं। इसके अलावा वाइट सीमेंट, चूना, वॉल पुट्टी, ब्रश, फेविकॉल, काला तार और उजला तार, कांटी, इससे संबंधित सारे सामान अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ सस्ता और अच्छा सामान उपलब्ध है। दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमारे सर्विस का भरपूर लाभ उठाएं। पता है किला घाट MA ट्रेडर्स के ठीक सामने। क्वालिटी की बात यदि मैं करता हूं तो आज भी सरकार जिम्मेदार है और सरकार में बीजेपी भी है, नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री। मैं उस पर ऐसा नहीं कहता हूं कि हत्या हो रही है तो मुख्यमंत्री जी उनसे बचे, लेकिन एज ए मैन यदि मैं बात अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी की करता हूँ तो मैं नीतीश कुमार जी को किसी भी बिहार के तत्काल पॉलिटिशियन से अच्छा मानता हूँ। एक सवाल और सर, आप पिछले विधानसभा चुनाव में रावण जी के साथ थे, यूपी का चुनाव है, आप वहाँ जाहिर है कांग्रेस के साथ होंगे, रावण जी कांग्रेस और आप क्या तीनों साथ होंगे यूपी में? चाहे तो राजा को करना है तो रावण तो करेगा नहीं, यदि कांग्रेस को लगेगा कि मेरी आवश्यकता होगी, रावण को जरूरत होगी तो बंद रहेगा साथ में। कांग्रेस में मिले ये आप किसी ज्योतिष से पूछ लीजिए। निश्चित रूप से सबसे बातचीत होने के बाद ही हुई है सर निर्णय। सर बड़े लक्ष्य बड़ा है सर, बिहार बचाना है, बाय इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी नहीं है और बिहार बचाना है तो बिहार बचाएंगे सर, ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है जी। सर ये बात हम कैसे कह देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार में जो बीजेपी की पीठ टीम है बारूपिया, उनके पक्ष में लोग नहीं। सर ये तो आगे क्या रणनीति क्या है, रोड मैप क्या है? सर अभी जो की है उसको देख लीजिए, प्रेजेंट में चीजें, फ्यूचर में भूकंप का अमर रहेंगे कौन देखा, अभी निकले नहीं एक्सीडेंट, हम प्लेन से जा रहे हैं पर दिल्ली, अब प्लेन एक्सीडेंट कर जाएगा तो कौन देखा है, पहले अभी चुनाव लड़ लें और उसके बाद फिर देखेंगे। बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि कांग्रेस जितने भी पूर्व प्लेयर को लेकर उतर रही है सब खेल साबित होंगे। उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई हैं, उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। बीजेपी में अक्षर तत्वों की कमी नहीं है, विजन वाले की कमी है। मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको बोलने का राइट है। कांग्रेस या पप्पू यादव अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की बात करेगा, किसी दूसरे का जवाब देना उचित नहीं, हम अपना काम करेंगे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मैं चाहूंगा कि कांग्रेस बढ़े और पप्पू यादव की जो विचारधारा है बिहार के निर्माण और बिहार का भारत करो उसके साथ होगा तो जन अधिकार पार्टी कांग्रेस के साथ लगातार। कल मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा एक चिट्ठी मिली कि कांग्रेस गांधी महोदय और बिहार के कांग्रेस हम चाहते हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान पे जन अधिकार पार्टी का सहयोग मिले। मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस लायक हमें समझा
मैं कांग्रेस प्रणाली को धन्यवाद है। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने बिहार के संदर्भ में मेरी बातचीत हुई, लेकिन अभी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि बिहार के हित में देश के जो हालात, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां, सिंधु बॉर्डर की जो परिस्थितियां, लगातार किसानों पर हमला, लगातार मौत, लगातार नफरत और देश के नवरत्नों को बेचना और दो व्यक्ति के मात्र को धन पशु बनाने की प्रक्रिया और पूरा का पूरा कंट्री खोला, एक तरफ किसान, एक तरफ महंगाइयों से कल 110.56 रुपया डीजल मिला पटना। कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस संघ पहली बार जो गंभीरता दिखाई है जन अधिकार पार्टी 100% कांग्रेस के सहयोग की दिखा, कोसी मिथिला सीमांचल का पूरा वर्कर कुशेश्वर स्थान में कल से रहे। छब्बीस 27 में कैंप करूं, कल से ही मेरे जितने XML हैं वो पंचायत में रहे, पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई पटना में नहीं रहे। इसीलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हर परिस्थिति में हम भारत और बिहार के हित में, बिहार के 12 करोड़ के हित में, यदि कांग्रेस अकेला चलने की राह ली है देश में, बिहार में अकेला कांग्रेस चलेगी तो जन अधिकार पार्टी कंप्लीट रूप से कांग्रेस के साथ, अभी हम उसके साथ हैं। अंतिम में सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने सारी बात आपको कह दी कि विपक्ष के बारे में सीधा कह दिया उनको, सिर्फ कालिदास और मोमुझा की तरह सत्ता सियासत बोगला भगत की तरह उन्हें मानवता से और बिहारी पंच बिहार के गरीबों से मतलब नहीं, वो झांकने नहीं गए। बेगूसराय में तो मासूम बच्चे को तेजाब छींट के मार दिया, ये जिम्मेदारी सबकी थी। रात में हम वहां गए तो 10 साल और 11 साल बच्चों को मार देना, डीआईजी से आईजी एसपी से बात की, तब जाके साइटी जांच हुआ। वहां के थाना प्रभारी अपने स्वजातियों को बचाने के लिए उस परिजन को मारा पीटा, और एक बात भी विपक्ष नहीं, लगातार बिहार में कत्लेआम, बच्चों की मौत, राजनीतिक हिंसा, सियासत की पंचायत चुनाव, ये आश्चर्य होगा। इसी सैटी जांच की मांग के साथ मिथिला कोसी सीमांचल में लगातार बारिश हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मूल्यांकन मत कराइए, बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दीजिए और सारे ऋण माफ कर दीजिए। नवाटा अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। मैं पूरे सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के इलाके के लिए 3 दिनों में जो बारिश हुई और नेपाल ने जो पानी छोड़ा, अब किसानों के पास सीधे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरा मांग है कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा हमारी पार्टी, हमारी विंग उसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करें। सारे पार्टी पूरी प्रकोष्ठ कुशेश्वर स्थान, मगध से लेकर के बक्सर से लेकर गया, सब तारापुर, कोसी मिथिला सीमांचल, सब कुशेश्वर स्थान। तारापुर
भागलपुर मुंगेर सभी जगह के लोग तारापुर कैंप करेंगे, दोनों जगह मैंने तो कहा था ना। माँ और मौसी में कोई फर्क होता है सर? दोनों एक है, इसलिए दोनों जगह कांग्रेस के साथ। और कुछ पूछना तो बिहार की जो आप